हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम फरवरी 2019 के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका आंसर आएगा, हरियाणा के नए डीजीपी बनाए गए हैं आईपीएस मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में कौन से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा 33वें। और 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट किस राज्य को बनाया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र राज्य को। और वहीं 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का सहभागी देश के रूप में किसे चुना गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा थाईलैंड देश को, और यह 2012 में भी सहभागी देश रह चुका है। और वहीं 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा? तो इसमें आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र का रायगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई? तो इसमें आपका आंसर आएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत हरियाणा में पंचकुला से की गई, और इसकी शुरुआत हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने विभिन्न स्कूलों के करीब 100 बच्चों को गोली खिलाकर की। वहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत हरियाणा में बच्चों को किस गोली का सेवन करवाया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा अलबेंडाजोल का। और कृमि रोग यानी पेट में कीड़े होना बहुत एक साधारण बीमारी समझी जाती है, मगर अगर इसका इलाज न किया जाए तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कुपोषण, आंतों में रुकावट, एलर्जी आदि जानलेवा रोगों का कारण यह बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण स्वच्छ शक्ति 2019 का शुभारंभ कहां से किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, स्वच्छ शक्ति 2019 का शुभारंभ किया गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में देश का कौन सा एम्स बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 22वां। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि देश का 22वां एम्स कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया गन्नौर सोनीपत में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 में हरियाणा सरकार ने किसानों को किस नए सम्मान से सम्मानित किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, हरियाणा किसान रत्न सम्मान से। और हरियाणा किसान रत्न सम्मान में प्रस्तुति पत्र के साथ एक नगद 5 लाख रुपए का इनाम है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 में कितने किसानों को कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, कृषि रत्न पुरस्कार से 9 किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि रत्न पुरस्कार टोटल ये 10 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 9 किसानों को दिया गया और एक दिया गया CCSAU यानी चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में स्थित है उसको दिया गया, यानी टोटल 10 कृषि रत्न पुरस्कार दिए गए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 में कितने किसानों को किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 24 किसानों को किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय कृषि रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बन गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, कृषि रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बन गया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो कि स्थित है। और नेक्स्ट है, फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा, डिजिटल किसान ऐप को। और वहीं फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 में किसान की प्रति एकड़ की आमदनी के लिए
लक्ष्य को कितने रुपए तक रखा गया है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वर्ष 2019-2020 का बजट कितना है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 1,32,165.99 करोड़ रुपये। वहीं आपको ये भी याद रखना है, हरियाणा के वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली फार्मा टेस्टिंग लैब कहाँ पर बनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा करनाल में, और इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल के द्वारा। और वहीं इस फार्मा टेस्टिंग लैब में सभी प्रकार की दवाइयों की जांच की जाएगी, और साथ ही नई दवाइयां बनाने से संबंधित शोध कार्य भी किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को सबसे पहले ODF प्लस प्लस घोषित किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा करनाल जिले को। अगर आपसे ODF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को सब्जियों की सबसे ज्यादा पैदावार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका आंसर आएगा पानीपत जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा आदिबद्री यमुनानगर में, और वहीं इसका शुभारंभ हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कप प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा नीरज फोगाट ने, और नीरज फोगाट दादरी के गांव जिंजर की रहने वाली है, और उन्होंने अपना यह पदक पुलवामा में शहीद हुए वीरों को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आपका आंसर आएगा पानीपत की रहने वाली नैना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कुमारी 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आपका आंसर आएगा हिसार की मंजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा मॉरिशियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने स्वच्छता के लिए प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण स्वच्छ शक्ति 2019 के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया? तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो कि बाढ़सा झज्जर में स्थित है, इसका लोकार्पण किया और इसे देश को समर्पित किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला, इसका शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट, ESIC मेडिकल महाविद्यालय व अस्पताल फरीदाबाद में जो स्थित है, इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत की स्मृति में बनने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो कुटेल करनाल में है, इसका शिलान्यास किया गया। और नेक्स्ट है, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इसका भी शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई? तो इसमें आपका आंसर आएगा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की वह बेटी कौन सी है जो प्रदेश की पहली और देश की तीसरी महिला असिस्टेंट कमांडेंट बनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा सोनीपत की सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 31 जनवरी तक चेन्नई में 23वें नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने शॉटपुट व डिस्कस थ्रो में क्रमश गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल जीता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रियंका कालीरामन ने, और ये संडवा भिवानी जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता या 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा इसका आयोजन किया गया हिसार के महावीर स्टेडियम में, और वहीं 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो
तो इसमें आपका आंसर आएगा कुल 12 टीमों ने इसमें भाग लिया। और वही 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसमें आपका आंसर आएगा इंडियन रेलवे ने। वहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में द्वितीय रनर अप यानी दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? तो दूसरे स्थान पर रही सर्विसेज की टीम और तीसरे स्थान पर रही हरियाणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1 करोड़ी कुश्ती प्रतियोगिता कब से शुरू की गई? तो इसमें आपका आंसर आएगा, यह प्रतियोगिता शुरू हुई है 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम वाटर एटीएम कहां पर लगाया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा गुरुग्राम के सेक्टर 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा पुलिस ने किस महिला बटालियन को अगले महीने से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका आंसर आएगा एसडीआरएफ को। आपसे एसडीआरएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एसडीआरएफ की फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और वहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा पुलिस में एसडीआरएफ महिला बटालियन का गठन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो इसमें आपका आंसर आएगा नेचुरल डिजास्टर्स, काउंटर टेररिस्ट एक्ट्स और रियॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी गतिविधियां और दंगों को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा मिला है? तो इसमें आपका आंसर आएगा झज्जर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें एशियन इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें आपका आंसर आएगा भिवानी की लतिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में पहली बार किस ओलंपियाड परीक्षा का गठन किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा स्पोर्ट्स ओलंपियाड परीक्षा का। और यह महेंद्रगढ़ जिले से स्टार्ट की गई और यह परीक्षा 3 चरणों में कराई जाएगी, स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। और इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा गुरुग्राम में। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 12वीं राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा 23 खिलाड़ियों को। और वहीं आपको ये भी याद रखना है, हरियाणा के श्रम मंत्री है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें आपका आंसर आएगा मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें आपका आंसर आएगा टोटल 4 मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कितने एकड़ में बनकर तैयार होगी? तो इसमें आपका आंसर आएगा 600 एकड़ में और इसके लिए टोटल 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको ये भी याद रखना है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहाँ पर तैयार की जा रही है? तो आपका आंसर आएगा गन्नौर सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ शक्ति 2019 के अवसर पर हरियाणा की किस महिला को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा रेखा को। और रेखा पंचकुला जिले के धारवा गांव की सरपंच है। वही अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ शक्ति 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ शक्ति पुरस्कार 2019 से टोटल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया, तो पूरे देश में से टोटल 12 महिलाओं को स्वच्छ शक्ति 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मृदा सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन हुआ? तो इसमें आपका आंसर आएगा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, जो कि करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज का प्रथम डिपो कौन सा बना है जिसने चालकों व परिचालकों की ड्यूटी को ऑनलाइन किया है? तो इसमें आपका आंसर आएगा भिवानी डिपो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4th एग्री लीडरशिप समिट में हरियाणा की किस महिला किसान को किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया? तो इसमें आपका आंसर आएगा झज्जर जिले के गांव गुड्डा निवासी एवं डेयरी संचालक महिला
नीतू देवी को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और हरियाणा करंट अफेयर की वीडियोज के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसे जुड़ सकते हैं और हरियाणा करंट अफेयर्स की नई वीडियोज पा सकते हैं।